चलते हैं अपनी अगली इवेंट की तरफ। हमारे साथ हैं जी, हेलो, माय नेम इज सुहैना ज़हीर अंसारी। मेरी इंस्टाग्राम पेज का नाम आर्ट ऑफ सुहैना है। मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और मैं रेजिन क्राफ्ट मैंने अभी 2 साल पहले रिसेंटली स्टार्ट किया है। पेंटिंग्स एक्चुअली यहाँ पे इतना पाकिस्तान में कोई ख़रीदता नहीं है, और अगर वो ख़रीदते हैं तो उनको बहुत ही लो प्राइसेस में चाहिए होती है। तो रेजिन वर्क जब मैंने स्टार्ट किया था, वो बेसिकली मैंने अपनी दोस्त का एक गिफ्ट बनाया था, और फिर मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया तो फिर ऑर्डर्स आने शुरू हुए। तो मैंने कहा कि चलो इसको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, हाँ, स्मॉल बिजनेस इसको एज अ स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने रेजिन वर्क स्टार्ट किया, और पेंटिंग्स जो है वो बेसिकली लोग इंटरनेशनली मैं सेल करती हूँ, वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे इतना पेंटिंग्स का है, यहाँ पे तो नहीं है। हाँ। मुझे बात बताएं, पेंटिंग जब आप कर रही होती है, ऑफ कोर्स ये तो आपके अपने आइडियाज हैं जिनको आप पेंट कर रही हैं, तो ये ओरिजिनल वर्क है एक आर्टिस्ट का एक तरीके से। कभी आपको ये भी कॉल्स आती हैं कि आप किसी फेमस पेंटिंग को दोबारा बना दें? हाँ, मैंने बनाई है, ये जो यहाँ पे लगी हुई है ये बेसिकली एक फोटोग्राफी है मीशा उनकी, सॉरी, इमान सुलेमान की। अच्छा, तो मैंने उससे इंस्पायर्ड होकर ये बनाई थी। अच्छा, उनसे इंस्पायर होकर आपने तस्वीर बनाई है। और अगर कोई फेमस पेंटिंग हो, जिस तरह बड़े बड़े पेंटर्स का जो काम था वो भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन जो होती है, कस्टमाइजेशन दोनों में, पेंटिंग्स में भी और रेजिन वर्क में भी। जबरदस्त। और ये क्या प्राइस रेंज है इन चीज़ों की? पेंटिंग्स जो है वो 2000 to 20,000, फिर इंटरनेशनली उनके प्राइसेस के हिसाब से होती हैं। और रेजिन वर्क मेरा एक स्पेसिफिक साइज़ है, मैं ज़्यादा बड़े साइज पे काम नहीं करती अभी, तो रेजिन वर्क की जो प्राइसेस है वो फ्रॉम 300 to 2000 तक है। 300 to 2000 तक। अच्छा, मुझे बात बताइए, ये शुरू कैसे हुआ सफर आपका, क्या सोच के स्टार्ट किया? पेंटिंग्स का तो बचपन से ही शौक था, तो मैं बचपन में क्या पेंट करती थी आप? नहीं, स्केचेस बनाती थी, फिर मैंने ऐसा ऐसा पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया अपनी फैमिली मेम्बर्स के, फिर मैं पेंटिंग्स पे आ गई। उसके बाद रेजिन वर्क जो है वो मैंने 2 साल पहले शुरू किया था आफ्टर कोविड, तो मैंने अपनी दोस्त के लिए एक लैम्प बनाया था, उसको फिर जब मैंने इंस्टा पे डाला तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे घर वालों ने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया, वो खुद भी ऑर्डर्स देते हैं, तो जब सपोर्ट आया तो मैंने फिर इसको एज अ स्मॉल बिजनेस पर शुरू किया। और अभी कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। हाँ, तकरीबन 3 साल। मैंने पिछले साल थोड़ा रोक दिया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज, अभी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्डर्स आए हैं और ये बहुत चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त भाई, बहुत सारी तालियां सुहैना के लिए। और आपके ब्रांड का नाम क्या है सुहैना? आर्ट ऑफ सुहैना। आर्ट ऑफ सुहैना। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आर्ट ऑफ सुहैना का इंस्टाग्राम लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाइए जाके देखिए कि आर्ट ऑफ सुहैना के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिस्प्ले हो रहे हैं। हम चलते अपनी अगली वेंडर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? फिजा मुक्ता। फिजा, और फिजा आप क्या करती हैं? मैं क्राफ्ट का काम करती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का। मेरा बेसिक जो है ना वो गिफ्ट से रिलेटेड है, मतलब हर ओकेजन पे आप गिफ्ट दे सकते हैं किसी को भी, मतलब कोई से भी रिलेशन में। सुन रही हैं आप? बिल्कुल सुन रही। आप गिफ्ट दे सकते हैं किसी भी ओकेजन पे, कभी भी किसी को भी, उसके लिए कोई खास त्यौहार होने की जरूरत नहीं है। रीजनेबल ही होंगे बहुत। हाँ, बहुत रीजनेबल है। अच्छा, और प्राइस रेंज वैसे कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम? प्राइस रेंज तो ज़्यादा ही है, मतलब 200 से निका पेन से शुरू है मेरी, और 5,000, 6,000, 10,000। और फिजा ये सब कुछ आप अकेले मैनेज करती हैं? हाँ, ये मैं अकेले। जबरदस्त, वी विश यू फिजा ऑल द बेस्ट। थैंक यू।